technoblogic.com. नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है लेटेस्ट डिवाइस मूवी स्टार की तरफ से, जो आज ही लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, जो है X1 नॉच। आपके लिए एक सरप्राइज है इस वीडियो के अंदर, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। ये 13 मेगापिक्सल फ्रंट बैक कैमरा के साथ आता है, जिसके अंदर AI सपोर्ट इन लोगों ने दे रखा है। जियो का कैशबैक ऑफर चल रहा है, इसके ऊपर 2200 रुपये कैशबैक मिलते हैं जियो के थ्रू, और जो कलर्स हैं मुझे काफ़ी पसंद लगे। और इसके अंदर दो वेरिएंट्स आने वाले हैं, एक 3 GB, एक 32 GB वाला, और एक आने वाला है आपका 16 GB और 2 GB वाला। दोनों की प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक जो हायर मॉडल है उसका जो प्राइसिंग है वो 9499, और जो आपका 16 GB और 2 GB वाला वेरिएंट है उसके जो प्राइसिंग इन्होंने दे रखी है वो 8499। इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं तो बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। बॉक्स के अंदर फर्दर ओपन करते हैं तो मिल जाता है डायरेक्टली डिवाइस। डिवाइस का कलर मुझे काफ़ी पसंद लगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो आगे मेंशन करूंगा मैं। उसके बाद बॉक्स को फर्दर ओपन करते हैं तो मिल जाता है हमें एक पाउच। पाउच के अंदर मिल जाती है यूज़र मैनुअल, और उसके बाद हमें मिल जाता है हमें कैरी केस। कैरी केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सिलिकॉन कैरी केस है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर फिटिंग आपको देगा। उसके बाद हमें मिल जाता है एक चार्जर, जिसकी जो आउटपुट है वो है 5V 1.5 एम्पे, यानी नॉर्मल चार्जर है। मूवी स्टार की ब्रांडिंग दे रखी है। फर्दर देखते हैं तो मिल जाता है माइक्रो USB to USB केबल, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, व्हाइट कलर की केबल है। फर्दर एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है, और उसके बाद हमें मिल जाते हैं इन ईयर ईयरफोन्स, जिसके अंदर बटन दे रखा है इन लोगों ने प्ले पॉज का, और साथ ही साथ उसके अंदर माइक भी दिया हुआ है। क्वालिटी नॉर्मल है, मूवी स्टार की ब्रांडिंग इसके ऊपर भी दे रखी है। इस सब को क्लियर करने के बाद डायरेक्टली हम लोग बिल्ड पार्ट पे आ जाते हैं। फोन के अंदर हमें ऊपर मिल जाते हैं सारे सेंसर्स, कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ हमें मिल जाती है उसके ऊपर एक फ्लैश, और फ्लैश के साथ साथ ईयरपीस। ईयरपीस के नीचे मिल जाता है हमें 5.7 इंच का HD+ डिस्प्ले, जिसके ऊपर ग्लास की कोटिंग दे रखी है, 2.5D ग्लास है। और उसके बाद नीचे की तरफ मिल जाता है हमें ऑन स्क्रीन बैक की। नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें मिल जाता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, डुअल स्पीकर ग्रिल, जिसके अंदर से एक के अंदर जो राइट वाला है उसके अंदर एक्चुअल में स्पीकर है, और लेफ्ट वाले में एक्चुअल के अंदर माइक दिया हुआ है। जो आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट है वो आपका OTG भी सपोर्ट करता है। उसके बाद जब राइट साइड की तरफ आते तो मिल जाता है हमें वॉल्यूम रॉकर और पावर लॉक की। तीनों जो कीज़ हैं वो सेपरेट हैं और काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक देती हैं जब आप उसे यूज़ करते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो मिल जाता है हमें 3.5 ऑडियो जैक और एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। लेफ्ट साइड में आते हैं तो मिल जाता है हमें सिम इजेक्टर ट्रे, जो एक्चुअली में ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम लगा सकते हैं और साथ के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक का। बैक साइड पर आते हैं तो इसके अंदर हमें मिल जाता है एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा, LED फ्लैश, और नीचे एक मूवी स्टार की ब्रांडिंग और एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। जो कलर की बात करते हैं, पूरा ग्लास है पीछे, और कलर की कोटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कलर का नाम उन्होंने ग्रेडियंट शाइन दिया है, पर पीको कलर भी नाम रख सकते थे, क्योंकि जो इसके अंदर कलर है वो सारे कलर इसमें मिक्स दे रखे हैं और प्रॉपर तरीके से शाइन करता है। तो कलर और बिल्ट के मामले में तो कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं है। अब बात करते हैं बिल्ट के बाद इसके हार्डवेयर पार्ट की। हार्डवेयर पार्ट के अंदर बात करते हैं तो मेन इन लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया है इसके डिजाइन के ऊपर, क्योंकि इसमें नॉच डिस्प्ले का डिजाइन है। उसके बाद कैमरा की बात करते हैं तो मिल जाते हैं डुअल कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट में और 13 मेगापिक्सल बैक में। दोनों के दोनों जो हैं AI सपोर्ट करते हैं, यानी आपका जो फोटोज हैं बहुत अच्छे आने वाली है। मेमोरी 2 लॉन्च होने वाली है इसमें, 32 और 3 और 16 और 2 GB वाला, जिसकी प्राइस सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। फेस अनलॉक का फीचर दे रखा है, फेस अनलॉक भी काफ़ी सही तरीके से काम करता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी सही काम करता है, और बेस्ट पार्ट ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट दे रहे हैं, जो आजकल हर किसी को चाहिए, क्योंकि एक में जियो रखता है, एक में वोडाफोन एयरटेल रखता है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेमोरी की तो कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इसके अंदर बेस्ट पार्ट दोस्तों कलर और बेल्ट लगा मुझे। अब बात करते हैं इसके गिव अवे की। इसके अंदर मैं इस फोन का कर रहा हूँ गिव अवे, तो गिव अवे अगर आपको जीतना है तो सीधा सा फंडा है, आपको नीचे कमेंट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे अलग अलग सोशल चैनल्स पे जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे फॉलो करना है, और इसके जो बाकी रूल्स हैं गिव अवे जीतने के वो नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन विनर है पुराने का भी, और क्या क्या आगे रूल्स रहेंगे इसको जीतने के, कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो वो लिंक पे आके क्लिक करें और देखें किस तरह से आपको उसको जीत सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बैक जरूर करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या।